हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की शेप यहां पर इनकी हथेली की बनती हुई, जो एक स्क्वायरिश शेप बहुत ही हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को शो करती है। और फिंगर्स के बीच में यहाँ पर काफी सारे गैप्स भी नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फिंगर्स की सेटिंग में ही गैप्स हैं, यह इन्हें काफी इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर दे रहे हैं। थोड़ा जिद्दी स्वभाव और डिटरमाइंड नेचर व्यक्ति की रहती है। तो चलिए देखते हैं फिंगर्स को थोड़ा क्लोजअप में क्या क्या हमें नजर आता है। काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं यहाँ पर इनके सभी फैलेंजेस के ऊपर, जो इनकी फ्रेंडली नेचर को शो करते हैं। और अगर इनको इनकी जो फिंगर्स की लेंथ है उसको देखा जाए तो यहाँ पर नजर आ रहा है इनकी जो सूर्य फिंगर है और गुरु फिंगर है, दोनों की लेंथ यहाँ पर लगभग एक समान नजर आ रही है, जिसमें क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज भी आ जाती हैं और अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज भी आ जाती हैं। दोनों तरह की क्वालिटीज इनके भीतर रहने वाली हैं। और आगे देखते हैं शनि फिंगर को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो शनि फिंगर की लेंथ है काफी अच्छी है, जिसकी वजह से हार्डवर्किंग नेचर रहेगी। हैंड की शेप भी यहाँ पर इस चीज का प्रॉमिस शो कर रही है। और मर्करी फिंगर को देखा जाए तो मर्करी फिंगर की जो लेंथ है यहाँ पर फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचती हुई इनके सूर्य फिंगर के, जिसकी वजह से अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पर फिंगर्स काफी पॉजिटिव हैं और यहाँ पर थोड़ी जिद्दी नेचर को भी शो कर रही हैं, क्योंकि काफी सारे गैप्स यहाँ पर इनके फिंगर्स के बीच में काफी क्लियरली नजर आ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिंगर्स के बाद इनके माउंट्स यहाँ पर किस तरह से सेट हैं। तो एक लाइन ड्रॉ कर आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर माउंट्स को, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी माउंट ज्यादा लो सेट नहीं है, सभी माउंट्स को अच्छी स्पेस मिल पा रही है। और वन बाय वन सभी माउंट्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर बृहस्पति माउंट आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ कर जो बृहस्पति माउंट है यह एरिया थोड़ा कम हो रहा है, जो इनकी सेटिंग में थोड़ी सी टिल्टेशन आ रही है। स्पेस जो है बृहस्पति माउंट को अगर बाकी माउंट्स के साथ कंपेयर किया जाए तो थोड़ी कम मिलती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में कुछ कमी रहने के चांसेस रहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्रेस की कोई कमी नहीं है, क्योंकि प्रोग्रेस के लिए यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, जिसको हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। और साथ साथ बाकी के माउंट्स के ऊपर भी इसी तरह की लाइंस हैं, शनि रेखा मौजूद है और प्रोग्रेस लाइन है, इवन सूर्य और मरकरी की लाइंस भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिस वजह से लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस इनके रहने वाली है। आगे देखते हैं शनि माउंट को, तो शनि माउंट के नीचे सबसे पहले तो मुझे गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन काफी क्लियर दिखाई दे रही है, आपको दिखाना चाहूंगा। कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस नहीं है, यह यहां तक आता हुआ और इस एरिया से यहां तक। कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस कुछ इस तरह से बनता है, जैसे एक पूरा अर्ध चंद्रमा बन जाए तो उसको गर्डल ऑफ वीनस का नाम दिया जाता है। इस तरह का गर्डल ऑफ वीनस होने से व्यक्ति के भीतर शुक्र से रिलेटेड जो भी क्वालिटीज हैं वो बढ़ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस है, जिससे प्रभाव तो पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी शुक्र का प्रभाव रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, नेगेटिव इफेक्ट भी रहते हैं इस तरह का पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस बनने से। इसकी वजह से व्यक्ति की पर्सनैलिटी मूडी हो जाती है, ऐसे व्यक्ति मूड स्विंग्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं लाइफ में। अचानक से मूड अच्छा हो जाता है, अचानक से मूड खराब हो जाता है, ऐसी ऐसी बातें व्यक्ति की लाइफ में होती रहती हैं। क्रिएटिविटी वाली नेचर रहती है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड किसी काम में जा सकते हैं,
फीमेल प्रोडक्ट्स रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, इस तरह की चीजों के प्रति जो आकर्षण है वो ज्यादा रहता है। ब्यूटी जैसी चीजें, एंटरटेनमेंट जैसी चीजों के साथ डीलिंग रह सकती है। तो गर्ड ऑफ वीनस अगर कंप्लीट बन जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है, जिससे काफी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट भी व्यक्ति को मिलते हैं। तो यहाँ पर पार्शियल है, जिसकी वजह से इमोशंस बढ़ जाते हैं व्यक्ति के अंदर। उसके बाद इनकी शनि रेखा और शनि माउंट को देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शनि माउंट एवरेज है, स्पेस अच्छी मिल पा रही है शनि माउंट को, थोड़ा सा दबता हुआ भी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को यहाँ पर शो कर रहा है। और आप देखें शनि रेखा को यहाँ से चलती हुई और कंप्लीटली शनि माउंट तक एंटर करती हुई, जो एक कंफर्टेबल लाइफ को शो करती है। ऐसे व्यक्ति लाइफ में मेहनती तो होते हैं और मेहनत का फल भी इन्हें मिलता है, जिनके हाथ में शनि रेखा क्लियर होती है। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक जैसी ही लाइफ हमेशा चलेगी। अप्स एंड डाउन्स के साथ साथ यहाँ पर अच्छी इनकम को शो करती है इस तरह की शनि रेखा। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कुछ असिस्टेंट लाइंस भी यहाँ पर चल रही हैं ऊपर की तरफ, जो इस रेखा को ओवरलैप होकर आगे की तरफ पहुंचाती हुई नजर आ रही हैं। अब देख सकते हैं इस एज के बाद अगर हम देखें तो रिटायरमेंट की एज के बाद काफी यहाँ पर ओवरलैपिंग शो हो रही है, जो शो करती है कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रह सकती हैं ओल्ड एज में चलकर, क्योंकि उससे पहले अगर देखा जाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है शनि रेखा में। ओल्ड एज यानी कि 58 की एज के बाद, 60 की एज के बाद यहाँ पर कहना चाहूंगा, उसके बाद थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इन्हें। आगे देख सकते हैं सूर्य माउंट को, तो सूर्य माउंट भी शनि माउंट की ही तरह नजर आ रहा है। और सूर्य रेखा को अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ इस तरह की सूर्य रेखा, जो थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, बीच में गैप आ रहा है यहाँ पर, लेकिन सूर्य रेखा का मौजूद होना यहाँ पर व्यक्ति को काफी अच्छा मान सम्मान दिलवा सकता है, नेम एंड फेम जिसको हम कह सकते हैं। इस तरह की सूर्य रेखा का होना व्यक्ति के लिए बेनिफिशियल रहता है। इवन पॉलिटिक्स में भी ऐसे व्यक्ति एक्टिवली जा सकते हैं, क्योंकि सूर्य रेखा गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाले बेनिफिट्स को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह की सूर्य रेखा होने की वजह से यहाँ पर काफी अच्छा स्कोप नजर आ रहा है मुझे फेम का। अब देख सकते हैं सूर्य रेखा की जो फॉर्मेशन है यहाँ तक काफी अच्छी, और उसके बाद बीच में गैप, जो यहाँ पर ओल्ड एज के बाद फिर से इन्हें काफी अच्छी नेम एंड फेम दिलवा सकता है। तो ओवरऑल यहां से अगर देखा जाए तो 30s की एज से ही यह रेखा यहाँ पर नजर आ रही है, जिसकी वजह से इनका जो सर्कल है, सोशल सर्कल बहुत अच्छा रहेगा और बड़े लोगों के साथ इनका उठना बैठना यहाँ पर रहने के चांसेस नजर आ रहे हैं। बात करते हैं मर्करी माउंट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो मर्करी माउंट है थोड़ा यहाँ से लूसट नजर आ रहा है, लेकिन स्पेस में अगर देखा जाए तो काफी अच्छी स्पेस यहाँ पर मर्करी माउंट को मिल रही है। सीधी खड़ी रेखाएं यहाँ पर छोटे साइज की हैं लेकिन मौजूद हैं। इस तरह की रेखाएं जितनी ज्यादा मर्करी माउंट के ऊपर हों उतनी ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं बिजनेस एक्यूमेन को, यह शो करती हैं बिजनेस के लिए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनके हाथ में मर्करी लाइन भी मौजूद है, लेकिन मर्करी लाइन में भी मुझे गैप नजर आ रहा है। अगर यह बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन हो तो और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की मर्करी रेखा जो एक स्ट्रांग मर्करी लाइन है, इन्हें काफी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन और क्लेवर माइंड देगी। और स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहने के चांसेस आ सकते हैं, क्योंकि ब्रेक है यहाँ पर। इसी रेखा को हेल्थ लाइन भी कहा जाता है। अगर यह रेखा पूरी तरह से स्ट्रेट हो तो हेल्थ में कोई इशू नहीं आता, लेकिन अगर जिस तरह से यहाँ पर ब्रेक नजर आ रही है, इस तरह की ब्रेक्स हो या ओवरलैपिंग हो इस लाइन में, तब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हेल्थ से रिलेटेड, खासतौर पर लिवर से रिलेटेड या फिर स्टमक डाइजेशन से रिलेटेड कुछ ऐसी दिक्कतों के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी हार्ट की लाइन को, हार्ट की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट और सीधी हार्ट की लाइन यहाँ तक पहुंचती हुई, जो शनि का एरिया है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाता है, काफी प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी। साथ साथ
यहाँ पर जो इमोशंस हैं वो इस असिस्टेंट हार्ट लाइन, जिसको हम गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं, इसकी वजह से आ सकते हैं। लेकिन नॉर्मली थोड़ी सेल्फ सेंटर्ड और प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी यहाँ पर इनकी हार्ट की लाइन से नजर आ रही है। माइंड लाइन की बात की जाए तो बिल्कुल वैसे ही, जिस तरह से इनकी हार्ट लाइन है वैसे ही माइंड लाइन भी नजर आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है और जो शार्प माइंड को तो शो करती ही है। काफी इसके साथ साथ प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी, यहाँ पर कोई भी फ्लॉ मुझे माइंड की लाइन में नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल क्लियर माइंड की लाइन। आगे चलकर थोड़ी सी डिम हो रही है, यहाँ से आप देख सकते हैं जो यहाँ पर शो करती है वीकनेस इन मेमोरी, जो लगभग यहाँ पर 55 और 60 की एज के बाद इनको थोड़ी सी वीकनेस मेमोरी में हो सकती है, अदरवाइज कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। और मनी ट्रायंगल की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मनी ट्रायंगल आपको दिखाना चाहूंगा, काफी अच्छा मनी ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो रही है जिसकी वजह से एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मनी ट्रायंगल को ड्रॉ किया जाए तो कुछ इस तरह की फॉर्मेशन मनी ट्रायंगल की बन रही है, जिसमें आप देख सकते हैं जो माइंड लाइन है बिल्कुल क्लियर है, फेट लाइन बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जो मर्करी लाइन है उसमें थोड़ा सा गैप यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस एरिया में, इस वजह से थोड़े से एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन एक अच्छा मनी ट्रायंगल बन रहा है, जिस वजह से पैसे की कमी इन्हें नहीं होगी। अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं तो फिर से यह रिवाइव कर पाएंगे और अच्छी तरह से लाइफ को आगे बढ़ा पाएंगे। आगे देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को, यहाँ पर लाइफ की लाइन भी थोड़ी सी ओवरलैप होकर शिफ्ट हो रही है, आपको दिखाना चाहूंगा। लाइफ की लाइन कुछ इस तरह से चलती हुई और आगे यहां से इस लाइन में मर्ज होती हुई, जो यहाँ पर शिफ्ट है यह शो करता है हेल्थ इशू को। लगभग 60 प्लस की एज में यहाँ पर इन्हें कुछ दिक्कत, कुछ हेल्थ इशू का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन लाइफ की लाइन आगे शिफ्ट के साथ कंटिन्यू हो रही है, जिसकी वजह से एज इनकी लंबी रहेगी। 80 के आसपास की एज यहाँ पर यह एंजॉय कर पाएंगे और अगर देखा जाए तो फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस भी हैं। यहाँ पर एक फिश जैसा चिन्ह बनता हुआ, जिस वजह से व्यक्ति लाइफ में काफी ट्रैवल करता है, कुछ इस तरह का चिन्ह यहाँ पर काफी क्लियरली बनता हुआ, और ट्रैवलिंग के चांसेस रहेंगे। और जो इनकी फेट लाइन है वो भी चंद्र एरिया से निकल रही है, जो यहाँ पर ट्रैवलिंग को इंडिकेट करती है। चंद्र एरिया को देखा जाए तो काफी क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम चंद्र एरिया के ऊपर नजर नहीं आ रही। और इसी तरह से अगर देखा जाए इनका शुक्र एरिया, तो कुछ वरी लाइंस मौजूद हैं शुक्र एरिया के ऊपर, लेकिन कोई भी प्रॉब्लमेटिक चिन्ह यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।